हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है किसी ना किसी डाइजेस्टिव इश्यू से परेशान है। इसमें सबसे कॉमन होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी, हैवीनेस, ब्लोटिंग और भी बहुत सारी पेट की परेशानियां जो होती है जो हर पर्सन को आजकल घेरे हुए हैं। तो एसिडिटी का मेन कारण क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और जब ये बढ़ जाता है तो कैसी बीमारी बन सकती है, तो इसको और नेचुरली कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं अपनी एसिडिटी को, इसके लिए हमें जानना है कि एसिडिटी आखिर होती क्यों है। तो जब हम खाना कोई अपना मुंह के अंदर लेते हैं, ये माउथ से फूड पाइप यानी हमारे ईसोफेगस के सबसे नीचे वाला हिस्सा जिससे वो स्टमक में जाता है, इसी में इसोफेगस के नीचे वाला हिस्सा, इसमें जो है LES नाम की एक मसल होती है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक, इसका काम क्या है, ये एक दरवाजे की तरह काम करता है। जब खाने को नीचे पेट की तरफ जाने की जरूरत होती है तो ये दरवाजा यानी स्फिंक्टर खुल जाता है, और जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ये दरवाजा बंद हो जाता है। तो आखिर जब खाना जो होता है ये स्फिंक्टर खुलता है और खाना स्टमक में जाता है तब उसका क्या होता है, तो स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो HCl का मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना ताकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो सके। तो अगर हमारे शरीर में जितनी स्टमक की कैपेसिटी है यानी उसमें जरूरत जितना एसिड आ सकता है, अगर उससे ज्यादा एसिड प्रोडक्शन शुरू हो जाए जिससे उसे स्टमक जो होता है वो कैरी ना कर सके, तो वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर डालता है जिससे LES दरवाजा अगर रिलैक्स्ड हो जाए या वीक पड़ जाए तो वो ऊपर की तरफ एसिड बढ़ता है और LES को क्रॉस करके टूवर्ड्स योर माउथ, चेस्ट और थ्रोट की तरफ आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खट्टी डकारे, बर्निंग सेंसेशन और चेस्ट पेन, ऐसे तमाम परेशानियां जो है आपकी प्रोड्यूस होने लगती हैं। तो हमें एसिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, मेनली हमें केवल दो चीजों पे काम करना है, एक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा ना हो और एक LES आपका स्ट्रेंथन बना रहे, वो वीक ना पड़े। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आज मेरे वीडियो में कुछ ऐसे ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी लाइफस्टाइल हैबिट को हम जो है इम्प्रूव। अब ईटिंग हैबिट्स में आप सात तरह के अगर हैबिट्स को अपने में ऐड करते हैं अपने रूटीन में, तो आप एसिडिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप इसका असर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ईट स्लोली, आप जो है खाने को धीरे धीरे खाइए, बहुत चबा चबा के खाइए। कब तक चबाएं, जब तक कि खाना जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट आपके माउथ में ही ना हो जाए। अगर आप नोटिस करिए, फोकस करिए आपने च्यू पर, यानी अगर आप तीन टाइम अगर खाने को चबाते हैं किसी भी बोलस को तो उसे सिक्स टाइम, फिर एट टाइम्स, फिर टेन टाइम्स और इतना चबाएं कि वो आपके माउथ के अंदर ही लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड नंबर, डोंट गैप बिटवीन टू मील्स और डोंट स्किप मील्स। आजकल देखा जाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं लोग और फिर बैठे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं और इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि उनका एक टाइम का मील ही स्किप हो जाता है और वो एनर्जी के लिए कुछ चाय और कॉफी बीच में ले लेते हैं, फिर रात में घर जाने के बाद ही आपको वो जो है फिर सीधे डिनर लेते हैं, तो ये और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है समय पे जो है अपना मील लें और अपने जो है टाइम ले लें, स्किप ना करें। इससे क्या होता है, बीच में जब एम्प्टी स्टमक रहता है तो उसमें एसिड प्रोडक्शन अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता ही होता है और जब खाना नहीं होता तो फिर वो ऊपर की तरह रिफ्लक्स करने लगता है। और खाने को जो है बहुत जल्दबाजी में ना खाएं, खाने पे कंसंट्रेट करके खाएं। अगर आप देखते हैं कि अगर आप यूरिनेशन में भी होते हैं, कभी किसी का फोन आ जाता है, कुछ हो जाता है तो यूरिन फ्लो जो होता है इंटरप्ट हो जाता है, तो ऐसा ही जो है अगर आप बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में खाएंगे और तो आपका फोकस जो होगा वो खाने पे ना होके
और सारी जगहों पर होगा, जिसकी वजह से खाना जो होता है इनडाइजेस्टेड रह जाता है और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है। फिर आता है आप जो है अर्ली डिनर, यानी अपना जो डिनर है वो अपने सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले ले लें। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो जो है डिनर जो है अपना जो है बहुत लाइट लें, और अगर 3 से 4 घंटे का गैप उसे सोने के बेड टाइम से पहले अगर मिल जाता है तो खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प होती है और आपकी मॉर्निंग एसिडिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद आता है आप एम्प्टी स्टमक में, फोर्थ नंबर पे एम्प्टी स्टमक में चाय और कैफीन का इंटेक ज्यादा ना, एम्प्टी स्टमक जो है चाय और कॉफी का इंटेक ज्यादा ना करें। ये जो है नेचर से ही एसिडिक चीजें हैं और ये एसिडिटी को और इंक्रीज करती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्दी ड्रिंक लें, मिल्क लें, और भी बहुत सारी चीजें इनके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी एम्प्टी स्टमक में चाय और कॉफी ना लें और धीरे धीरे इनकी जो है क्वांटिटी जो है कम करें। फिर आता है 6 नंबर पे हमेशा जो है आप स्पाइसी प्रोसेस्ड पैकेट फूड और बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना जो है उसको अवॉइड करें, ये एसिडिक प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। आप मैदा की चीजें या स्पाइसी पैकेट वाली चीजें इनको अवॉइड करें। और सबसे लास्ट नंबर पे आता है आज जो है अगर आप स्मोकिंग की हैबिट है आप में और अल्कोहल लेने की इनटेक की हैबिट है तो ये जो है नेचर से ही ये एसिडिक होते हैं, ये एसिड प्रोडक्शन को और इंक्रीज करते हैं। तो ये 7 ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो आप अपने में अगर किसी एक पे भी फोकस करके अगर आप उसे शुरू कर देते हैं तो आप केवल और केवल 4 दिन के अंदर ही अपने एसिडिटी में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और लाइफस्टाइल हैबिट्स के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और आप कैसे आपको इसके रिजल्ट्स मिले हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बता सकते हैं, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में भी लिख के मुझे बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो को सुनना पसंद करेंगे आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टिल देन बाय बाय।